अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। व्यूवर्स, कल की वीडियोस पे एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन रेज किया था कि इसमें कुछ स्टेप जो हैं उनको समझ नहीं आई। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करूँगा। ठीक है, उनका पॉइंट बड़ा वैलिड था तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। कल हमने बैंड स्टाइल पे बात की थी। ठीक है, तो मैं बैंड स्टाइल में जाता हूँ। ठीक है, कल जब हमने बैंड क्रिएट किए हैं तो इनमें जो है ये वीडिंग और ये स्टैगर, इनको मैंने डिस्कस नहीं किया था। मैंने जस्ट इनकी वैल्यू पुट की थी। ठीक है, तो मैंने ये बताया नहीं था कि ये क्या काम करते हैं, तो यही चीज़ हम देखेंगे। वीडिंग हमने 0.001 पे रखी थी। ठीक है, तो अभी हम इसकी वैल्यू जो है, ठीक है, इसको बढ़ा के देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारे लेवल पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। मैं इसकी सेक्शन के जो है व्यू जो है मैं इसको इस साइड में कर रहा हूँ इधर। ठीक है, तो ये लेवल ऑलरेडी आप देख सकते हैं। ठीक है, इनमें कोई अभी ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है, तो अभी जब हम इसकी वीडिंग फैक्टर को बढ़ाएंगे तो इसमें आप लोगों को वाजह फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, कि इन पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ। ओके, तो ये OGL के जो हमारे लेबल हैं, ठीक है, OGL सरफेस के जो लेबल हैं, यहाँ पे मैं वीडिंग को जो है इसको मैं 100% करता हूँ। ओके, अप्लाई। ओके, अप्लाई। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे बिल्कुल लेबल ना होने के बराबर रह गए, जबकि हमारे जो सेक्शन हैं, ठीक है, सेक्शन काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे लेबल बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये लेबल क्या, किस किस चीज़ के ये लेबल थे? ये जो हमारी लाइन है OGL की जो लाइन है, इसमें जितने वर्टिसेस हैं, ठीक है, वो हर वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जहाँ जहाँ पे इसका ग्रेड चेंज है, ठीक है, आप लोगों ने कल देखा होगा कि ये जो लेबल हमारे आ रहे हैं ये ग्रेड चेंज के आ रहे हैं, कि इस लाइन में जहाँ जहाँ पे ग्रेड चेंज आ रहा है वहाँ वहाँ पे हमने लेबल क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ से ये चलता है, यहाँ पे वर्टेक्स आ गया, यहाँ पे वर्टेक्स आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, जहाँ भी वर्टेक्स, जहाँ भी स्लोप चेंज आ रहा है इसमें, ठीक है, ग्रेड चेंज आ रहा है वहाँ वहाँ पे हमने उसका लेबल क्रिएट किया था। तो वीडिंग का मतलब इसमें यही था, ठीक है, कि हमने अपना जो है ये जो लाइन अगर हमने वापस ड्रा करनी हो ऑटो कैड में, ठीक है, तो हमारे ये जो लेबल हैं इन्हीं लेबल की मदद से हम अपनी लाइन जो है वो ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम ये भी देखेंगे, ठीक है, कि हमने ये डाटा कैसे एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में। ठीक है, तो मैं दोबारा आप लोगों को फिर दिखाता हूँ। ठीक है, ग्रुप प्रॉपर्टी, बैंड स्टाइल। ओके, और यहाँ पे हमने स्टैगर बोथ साइड रखा था, नो स्टैगिंग रखेंगे। ओके, तो इससे और इस पर क्या फ़र्क पड़ता है? अभी ये 100 पे था, ठीक है, मैं वापस इसको 0 पे रखता हूँ। उसको 0 पे क्या वैल्यू जाती है हमारे पास? ओके, अप्लाई, अप्लाई। ओके, तो जी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लेबल जो हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इनको रीड करना चाहें तो ये रीडेबल नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है और यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को हम जो है वो स्टैगर वैल्यू जो है उसको जब हम बोथ साइड इसको स्टैगर वैल्यू देंगे तो ये लेबल जो है ये अपनी जगह से थोड़े मूव हो जाएंगे, ठीक है, हमारा डाटा पूरा क्रॉस सेक्शन में शो होगा, मगर इनके जो बेस पॉइंट है उन्हीं के हिसाब से जो लेवल जहाँ पे है उसी के हिसाब से ये शो होगा। तो मैं दोबारा आप लोगों को करके दिखाता हूँ, आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या चेंज आती है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये ग्रुप प्रॉपर्टी में इधर से भी आप जा सकते हैं और यहाँ से भी आप ग्रुप प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। वापस मैं इस लेबल पे जाता हूँ, ओके, ये वैल्यू हमने ज़ीरो कर दी थी, ठीक है, ये वैल्यू भी आप ज़ीरो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और ये जो नो स्टैगर हमने नो स्टैगिंग पे किया है हमने, ठीक है, इसको हम स्टैगर बोथ साइड पे करते हैं। बोथ साइड का मतलब ये है, ठीक है, कि इसको ये दोनों साइड में, ये वाला अंदर वाला लेबल जो है अंदर की साइड में मूव हो जाएगा और बाहर वाला बाहर की साइड में मूव हो जाएगा, ठीक है। एक साइड में करेंगे तो ये लेबल एक ही साइड में मूव होते जाएंगे। तो हम बोथ साइड पे इसलिए रखते हैं ताकि इनका वर्टिसेस का जो ये जो एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस है वो ज़्यादा चेंज ना हो, ठीक है। तो मैं इनको स्टैगर बोथ साइड करता हूँ, ओके, यहाँ पे वैल्यू मैंने ज़ीरो रखी है, ठीक है, ताकि ये बहुत ज़्यादा मूव ना हो। इस पे यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू जैसे हमने इधर पुट की थी आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं, ओके ओके। तो अभी आप देखेंगे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो एक तो उनका ये क्वेश्चन था वीडिंग और स्टैगिंग, ठीक है, कि लेबल को स्टैगर क्यों किया था और वीडिंग फैक्टर मैंने मिनिमम क्यों रखा था। तो वो रखने का मकसद यही था कि हमारे जो ये जो लेबल हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करें और मैक्सिमम जितने लेबल पॉसिबल हैं, जितने वर्टिसेस हैं, कुछ भी इसमें मिसिंग ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें यही था। तो इसमें हम कुछ मज़ीद देख लेते हैं जो चीज़ हमने डिस्कस नहीं की थी, ठीक है। एक तो ये था, उनका ये क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद सेक्शन व्यू में अगर आप आएँ, ठीक है, तो हमने ये जो हैचेस कलर वगैरह हैं वो हर दफ़ा हमने सैम्पल लाइन को सिलेक्ट करके वहाँ से हमने इसका ये जो हैचेस कलर हैं, हैचेस पैटर्न है, वो हमने चेंज किए थे ये वाले हैच पैटर्न। तो आप सैम्पल लाइन को सेलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी में जाके वहाँ से भी मटेरियल लिस्ट के सामने से भी इसको चेंज कर सकते हैं और यहाँ भी ये ऑप्शन मौजूद होती है, यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी एक बात जो मिसिंग थी, ठीक है, कि जो हमने लेबल सेट क्रिएट किया है उसको हम सेव करके दूसरी ड्राइंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये लेबल सेट हमने क्रिएट किया है, ठीक है, ये लेबल सेट जो हमने क्रिएट किया है, यहाँ सेव बैंड सेट की ऑप्शन है, यहाँ पे आपने सेव एज बैंड सेट करना है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन टैब में जाके आपने ये इस पर कोई भी एक नाम दे देना है। तो मैं आज की डेट का नाम दे देता हूँ उसको, ओके। तो ये बैंड सेट जो है ये हमारा अभी इधर सेव हो गया है, ओके। तो जब आपने न्यू ड्राइंग ओपन करनी है वो प्रोसीजर मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि आपने कोई भी लेबल जो है वो कैसे ऑलरेडी बैंड सेव बैंड सेट से आपने लेना है, ठीक है। तो फिर भी मैं एक हल्का सा बता देता हूँ कि अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपने क्या करना है, आपकी ड्राइंग वो सेव होनी चाहिए जिसमें आपने लेबल सेट इंपोर्ट करने हैं। सपोज आपने न्यू ड्राइंग ओपन की है, ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैं इसको सेव कर देता हूँ, ओके। जब भी आपने कोई नया काम स्टार्ट करना है, नई फाइल में कोई नया आप ड्राइंग बना रहे हैं तो आपको लेबल सेट ज़रूरत है, तो आपने उस सबसे पहले उस ड्राइंग को सेव करना है। उसके बाद आपने मैनेज टैब में जाना है, मैनेज टैब के बाद आपने यहाँ पे ये इंपोर्ट स्टाइल का एक बटन दिया गया है, ओके, आपने इस पर क्लिक करना, आइकन दिया गया है इस पर आपने क्लिक करना है, ओके। और आपने अपनी ड्राइंग जहाँ भी आपकी ड्राइंग है आपने उसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ
प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें अभी वो उस ड्राइंग में जितने भी स्टाइल थे वो इसमें अभी कॉपी हो जाएंगे। स्टाइल कॉपी हो रहे हैं। स्टाइल कॉपी हो गए हैं। अगर अभी हम इस फाइल में कोई सेक्शन व्यू क्रिएट करें, ठीक है, तो हम इजीली इसमें वो स्टाइल यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल कैसे यूज करना है वो ऑलरेडी कल की जो लास्ट वीडियो आज मैंने अपलोड की थी, ठीक है, मल्टीपल मटेरियल पे, उस पर मैंने ऑलरेडी इसको करके दिखाया था। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, ठीक है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इन सेक्शन का जो जो डाटा है, ये वाला जो डाटा है, ठीक है, इसको हम इसकी हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, वो रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी उसका प्रोसीजर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।